हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको EVS पैडागोजी करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस बता दिया था और शुरू के दो चैप्टर भी आपको मैंने शुरुआत कर दी थी। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो चैनल में मैंने अलग से लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में अलग से उसका लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर उन वीडियोज को देख सकते हो। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका अध्यापन संबंधित मुद्दे, यानी कि जो आपके पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं, वो यहां से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ईवीएस के पोर्शन में, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो कि ईवीएस की अवधारणा और क्षेत्र दो पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे, और तीसरे पार्ट में आपको मैंने एक पर्यावरण नीति और कानून के बारे में बताया था। चौथे पार्ट में हमने ईवीएस के जो महत्व होते हैं वो पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे एकीकृत ईवीएस, यानी कि इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होते हैं उनके बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पढ़ोगे तो आपको काफ़ी नई नई चीज़ें समझने को मिलेंगी कि ईवीएस की शुरुआत कैसे हुई और कैसे यहाँ से आपके अलग अलग नियम बनाए गए थे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि एकीकृत ईवीएस। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ, जो कि है आपका एकीकृत पर्यावरण अध्ययन या फिर इंटीग्रेटेड ईवीएस। अब ये इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है? तो देखो, समय समय पर अलग अलग विचार रखे गए थे कि पर्यावरण को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। आखिरी में जाकर एनसीएफ 2005 ने कहा था कि उसको अलग अलग ना पढ़ाकर एक साथ सारी चीजों को मर्ज करके पढ़ाया जाना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, एकीकृत ईवीएस कहा जाता है। ओके, इंटीग्रेटेड ईवीएस कहा जाता है। चलिए पूरा इतिहास खंगालते हैं और आपको कहां से कहां तक ले चलूंगा, आपको सारी चीज यहां पर पता कर जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत से बात करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ 1975, 1988, 2000 और 2005, ये सारे जो हैं अपने एक दूसरे के अपडेटेड वर्जन हैं। जो सबसे नया है, नवीनतम है, वो है 2005, और केवल आपको उसी के ही पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन आपके वहीं से ही पूछे जाते हैं, 1975, 88 और 2000 से आप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा 1975, 1988, 2000 और 2005 इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यानी कि सारे के सारे जो एनसीएफ थे उनका एक ही मोटिव था कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था। जिससे रिलेटेड जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसके हमारे एजुकेशन पॉलिसी इसी के ऊपर डिपेंड है, इसी के ऊपर चल रही है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा जो थी उसने भी पर्यावरण के जो आपका बचाव था उसको केंद्र में रखकर राष्ट्रीय पाठ्यचर्य विकास की बात कही गई। अर्थात यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। एनसीएफ ने तो कहा ही था कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करी जाए, सुरक्षा कैसे की जाए, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु था। साथ ही साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, उसके अनुसार भी यह केंद्र में रखकर बात करी गई कि हमारे जो पूरा का पूरा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका बचाव किस प्रकार से करना चाहिए, इसी पर उनका संपूर्ण शिक्षा का एक महत्व रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी, यानी कि जो केंद्रीय स्तर पर पूरे देश में अपनी बुक्स या फिर पाठ्यक्रम लागू करवाती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित सभी पाठ्यचर्याओं में इस पर ध्यान देने पर विशेष बल दिया गया। मतलब एनसीईआरटी ने अब अपना फोकस कर लिया था कि पर्यावरण बचाओ, यानी कि पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जाना चाहिए, उस चीज पर बल देते हुए उन्होंने क्या करा, उनके लिए कुछ अलग अलग समितियां बनाई, उनके लिए कुछ विशेष उन्होंने बल दिया। क्या क्या दिया था, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। तो वर्ष 1975, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1975 में आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्य, यानी कि एनसीएफ 1975 जो पहली थी, में प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की थी। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्य, यानी कि एनसीएफ 1975, उसने कहा था कि प्राथमिक कक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कक्षा का कहने का मतलब है एक से लेकर पांचवी क्लास तक। ओके, तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को कैसे पढ़ाना चाहिए, एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की इन्होंने बात की गई थी। इसमें यह प्रस्तावित किया गया कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं, जो कि पहली और दूसरी कक्षा थी, उसमें आप क्या पढ़ाओगे, तो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सम्मिलित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो
कक्षा एक और दो में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, तो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों के सम्मिलित जितने भी मुद्दे हैं उसको इन्वॉल्व करके कक्षा एक और दो को पढ़ाया जाना चाहिए, तथा कक्षा तीन चार और पाँच तक इससे दो विषयों के रूप में अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन एक जिसे EVS पार्ट वन कहा गया, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, और पर्यावरण अध्ययन दो जिसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो सरल शाब्दिक शब्द में बात करी जाए तो वर्ष 1975 में NCF 1975 ने यह कहा कि प्राइमरी लेवल्स की जो स्कूल्स हैं यानी कि प्राथमिक कक्षाएं जो हैं उसमें आपके पर्यावरण जो बुक होगी विषय होगा उसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें प्राथमिक कक्षा पहली और दूसरी, प्राइमरी लेवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड पर प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, और कक्षा तीन चार और पाँच में दो बुक्स होनी चाहिए EVS की, EVS पार्ट वन जैसे हमारा अतीत पार्ट एक पार्ट टू पार्ट थ्री है, वैसे ही पर्यावरण अध्ययन की पार्ट वन होनी चाहिए और पर्यावरण अध्ययन की पार्ट टू होनी चाहिए। पार्ट ए में यानी कि वन में बात करेंगे हम प्राकृतिक विज्ञान की, और पर्यावरण दो में बात करेंगे हम सामाजिक विज्ञान की। तो इस प्रकार से NCF ने अपना पूरा का पूरा दायित्व रखा, अपना पूरा का पूरा मैप रखा कि किस प्रकार से EVS बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा 1988 यानी कि 1975 का अपडेटेड वर्जन में भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था की को ही मंजूरी किया गया, मतलब जो आपका NCF 1975 ने कहा था वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1988 इन दोनों के द्वारा भी यही माना गया कि इसी प्रकार से हमें पढ़ाया जाना चाहिए प्राथमिक अवस्था पर पर्यावरण अध्ययन को। लेकिन आगे चलकर आपकी एक समिति बनी जो थी बोझ रहित अधिगम, जिसका नाम रखा गया शिक्षा राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1973, उसमें इसका नाम रखा गया था, टाइटल रखा गया था बोझ रहित अधिगम। अगर आपसे पूछा जाए ये टाइटल किसके द्वारा रखा गया, तो 1993 में शिक्षा राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट आई थी उनके द्वारा ये रखा गया था, जिसमें ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977 और NCERT कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समिति पर राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य, ध्यान रखिएगा इन तीनों चीज़ों को, इस बोझ रहित शिक्षा अधिगम पर जो बात की गई थी वो ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977, NCERT कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समितियों पर राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य को आसान करने के लिए छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए कई सिफारिशों के, लेकिन हम यहाँ ध्यान रखिएगा लेकिन कम होने के बजाय यह समस्या और अधिक तीव्र हो गई। अभी ये तीनों की तीनों जो आपको मैंने अभी बताई एजुकेशन पॉलिसी, आपकी पहली थी ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977, दूसरी NCERT 1984 और तीसरा शिक्षा के लिए समीक्षा समिति राष्ट्रीय नीति 1990। इन तीनों ने यह फोकस करा कि किस प्रकार से हम बच्चों की जो बुक्स हैं उसका जो वजन है वो कम करें, क्योंकि आप सभी को पता है छोटे बच्चों का बैग देखोगे आप तो कम से कम 7-8 किलो का बैग हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने अपनी नई नीतियां लाई, जिसमें इन्होंने कहा था कि बच्चों को आसान करने के लिए यानी कि जो उनका बस्ता है उसको कम करने के लिए, बोझ को आसान करने के लिए, छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए कई सिफारिशें की, लेकिन वो कम होने की बजाय समस्या क्या होगी, अधिक बढ़ गई, तीव्र हो गई, और इसलिए संसाधन विकास मंत्रालय जो कि आप सभी को पता है कौन है, आजकल एजुकेशन फील्ड पर अधिकतर कार्य इन्हीं का ही होता है, ओके, इसलिए संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों पर शैक्षणिक बोझ बढ़ाने की समस्या की जांच करने के लिए 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया भारत सरकार 1993। अब यहाँ पर कई बच्चे कह रहे हैं कि सर जो ये इतने सारे आप नंबर बता रहे हो कि 1977, 1990, 1986, डेट याद नहीं रहती, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पढ़ोगे समझोगे तभी आपको ये डेट ध्यान रखेगी, लेकिन आपको इतनी सारी डेट ध्यान रखने की बात जरूरत नहीं है, जोन जोन सी डेट मैं आपको बताऊंगा केवल उन डेटों को ध्यान रखने की जरूरत है ज्यादातर, बाकी अगर आप सभी डेट को याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ओके। तो अगर अब ये बोझ रहित शिक्षा यानी कि जो बोझ को कम करने की बात शुरू हो गई थी और जब एक समिति बनाई गई थी संसाधन मंत्रालय द्वारा जो की थी भारत सरकार 1993, इसके उद्देश्य में क्या शामिल था, जीवन भर स्वयं सीखने और कौशल तैयार करने के लिए क्षमता सहित की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों पर छात्रों पर भार को
कम करने के लिए तरीके और संसाधन या साधन सुझाना। मतलब जो ये आपका भारतीय सरकार यानी कि जो भारत सरकार 1993 बनाया गया था आपका समिति, उसका मेन उद्देश्य यही था कि जीवन भर स्वयं सीखने के लिए जो कौशल होने चाहिए, जो उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, जो उनके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए, वो किस प्रकार से बच्चों के अंदर सुधारा जाए, और साथ ही साथ में यह देखा जाए कि बच्चों के छात्रों के जो भार कम करने के लिए किन किन तरीकों को और किन किन साधनों को अपनाया जा सकता है। इसका ये मेन फोकस था, इसका मेन उद्देश्य ये था। तो इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 1993 में, जिसका नाम रखा गया था बोझ रहित शिक्षण। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये वाली डेट ध्यान रखिएगा कि कब आपकी प्रस्तुत की गई थी रिपोर्ट, तो 1993 बोझ रहित शिक्षण को, ओके, इसका टाइटल रखा गया था। इस रिपोर्ट के बाद पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम पर निर्णय की को काफी हद तक इसके द्वारा निर्देशित किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत सरकार 1993 के जो रिपोर्ट दी गई थी उसके द्वारा पर काफी हद तक इसके द्वारा क्या करा गया था, उस पर निर्देश दिए गए थे, फोकस किया गया था, जिसमें कहा गया था आपका NCF 2000 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर रूपरेखा 2000 ने सबसे ज्यादा इस पर फोकस करते हुए कुछ बातें कही थी। क्या कहा था इन्होंने? तो NCF 2000 ने पहली बार सुझाव दिया कि विभिन्न विषयों के विचार और धारणा को एकीकृत किया जाए। मतलब अभी तक जो आपके 1975 1988 एनसीएफ ने कहा था कि अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, तो एनसीएफ 2000 ने यानी कि एनसीएफ 2000 ने पहली बार यह सुझाव दिया कि अलग अलग ना पढ़ाकर उसको एकीकृत किया जाए। जैसे भारत का सांस्कृतिक विरासत, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा, या फिर परिवार प्रणाली, या कानून संरक्षकता, मानव अधिकार, शिक्षा, वैज्ञानिक सोचों पोषण इत्यादि, इन सभी के सभी जो टॉपिक्स थे आपको एक टॉपिक के रूप में समझाने के लिए फोकस किया गया था एनसीएफ ने कि एकीकृत करके किया जाए, इंटीग्रेटेड करके किया जाए इसको। ओके, तो इन टॉपिकों के ऊपर इन्होंने जोर दिया था। एनसीएफ 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में पृथक पृथक ना करके एकीकृत रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एकीकृत करने का सबसे पहले किसने फोकस करा था, तो एनसीएफ 2000 ने कहा था कि पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अलग अलग विषय में ना पढ़ाकर इसको एक विषय में पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि आजकल ईवीएस जो पढ़ाई जाती है वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? सामाजिक विज्ञान का या सामाजिक अध्ययन का और विज्ञान का। ओके, इसको अलग अलग ना पढ़ाकर इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, जिससे शिक्षा का बोझ भी कम हुआ और बच्चों को समझने में आसानी भी हुई, और साथ ही साथ में बच्चों को एक ही चीज़ मिल गई एकीकृत एक ही जगह पर, जिसमें इन्होंने कहा कि कक्षा 1 और 2 में इसे पाठ्यक्रम के अलग से विषय के रूप में नहीं रखकर इसे भाषा और गणित विषयों के साथ एकीकृत कर पढ़ाने के लिए कहा गया। गणित की सामग्री बच्चों के नज़दीकी पर्यावरण के चारों ओर बनाई जानी है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था, पहले जो एनसीएफ ने कहा था, उन्होंने कहा था कि कक्षा 1-2 में अलग बुक होगी और 3-4-5 में अलग बुक होगी, लेकिन एनसीएफ ने कहा इसको एकीकृत करो, जिसमें कक्षा 1 और 2 में कोई भी ईवीएस की बुक नहीं रखने की इन्होंने बात करी थी। इन्होंने कहा था कि कक्षा 1 और 2 में आपके जो भाषा और जो गणित के विषय होते हैं उसी में एकीकृत करके उसी में कुछ ऐसे विषयों को डालकर बच्चों को सिखाया जाए, ताकि बच्चे ईवीएस भी सीख सकें और गणित भी सीख सकें। आगे पढ़ोगे तो कह रखा है कि गणित की सामग्री बच्चे के नजदीकी पर्यावरण की चारों ओर बनाई जाए या बुनी जाए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि गणित तो पढ़ रहे हो आप, लेकिन वो आपके आसपास के वातावरण के अनुसार पढ़ रहे हो। ओके, तो अगर आप बुक्स पढ़ोगे पहली और दूसरी को, तो कई आपके पॉइंट्स निकल कर ऐसे आएंगे। आगे इन्होंने कहा कि कक्षा 3 और 5 में, 1 और 2 में तो बता दिया, 3 और 5 में इन्होंने कहा कि बच्चों को पर्यावरण उनके प्राकृतिक और सामाजिक रूप में विभक्त ना करते हुए एक संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए कहा जाए या कहा गया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि कक्षा 3 और 4 में उन्होंने यही कहा था कि सामाजिक अध्ययन और जो विज्ञान है उसको एक इन्वॉल्व करके, इंटीग्रेट करके एक पुस्तक के रूप में लाया जाए, यानी कि जिसमें आपके प्राकृतिक रूप भी हो और उसमें सामाजिक रूप भी हो। तो इन दोनों का रूप, जो विज्ञान होता है वो प्राकृतिक होता है और जो सामाजिक होता है वो सामाजिक अध्ययन होता है, दोनों को इन्वॉल्व करके ईवीएस की पुस्तक बनाई गई, जो कि इन्होंने कहा कक्षा 3 और 5 में इसको 3-4-5 यानी कि तीनों क्लास में इसको पढ़ाया जाए। तो एनसीएफ 2000 आने के बाद इन्होंने ये अपनी सिफारिश रखी।
फिर NCF 2000 का अपडेटेड वर्जन आया जो कि था NCF 2005, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर रूपरेखा 2005 ने क्या कहा, तो NCF 2005 में भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में ही सशक्त रूप में पढ़ाने पर बल दिया गया। मतलब जो NCF 2000 ने कहा था उसी का सपोर्ट करते हुए NCF 2005 ने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में यानी कि इंटीग्रेटेड रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें इन्होंने कहा कि कक्षा एक और दो में पर्यावरण संबंधित कौशलों एवं सरोकार को भाषा एवं गणित में, जो कि आपका NCF 2000 ने भी कहा था कि भाषा और गणित के माध्यम से संबंधित करके उनको क्या करना है, संसूचित की गई, मतलब उसमें ही आपका इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाना चाहिए, किसी अलग प्रकार के विषय में नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कक्षा एक और दो में आपकी जो पर्यावरण पढ़ाई जाती है वो किस में इन्वॉल्व करके पढ़ाई जाती है, तो भाषा एवं गणित की बुक में, और कक्षा तीन और पाँच में उसको अलग विषय के रूप में दर्जा देने के लिए कहा गया, जो कि आपकी तीन चार और पाँच में एक EVS की पुस्तक निकल के आती है, जो कि आपकी कौन सी पुस्तक है वो भी आपको पता है, दो सामाजिक अध्ययन और विज्ञान दो सब्जेक्टों को मिलकर वो बनाई गई है। ओके, तो कक्षा एक और दो में कोई पुस्तक नहीं होती, भाषा एवं गणित में ही आपके कुछ माध्यम से समझा दिया जाता है, और कक्षा तीन और पांच में आपकी यानी कि तीन चार और पांच में एक पुस्तक निकल कर आती है। ओके, आगे बात करें कि पर्यावरण को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब पर्यावरण अध्ययन जो पुस्तक है उसको एक ही बुक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे टुकड़े टुकड़ों में खंडित बातों की वजह संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। जैसे बच्चा पेड़ को एक संपूर्ण पेड़ के रूप में पहचानता है, वह पेड़ को घर का पेड़ या फिर बाहर का पेड़ के रूप में पहचानता है, वह मूर्त बातों को ही देखता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है। आप सभी को पता है पांचवी क्लास तक बच्चे में क्या समझ होती है, वो वहाँ पर उसी चीज़ के बारे में सीख पाता है, उसी चीज़ के बारे में समझ पाता है जो वो देख पाता है, जो वो मूर्त होती है। ऐसे में हम यदि उसे अमूर्त और अनुभव के परे की बातें बताने लगे तो उन्हें अपने अनुभव से जोड़ नहीं पाएंगे और सूचनाओं को वो रटने लगेंगे, अपने पर्यावरण के प्रति सार्थक समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। और मेन मोटिव यही था कि बच्चों के अंदर सार्थक समझ उत्पन्न कर सकें कि बड़ा होकर एक लोकतांत्रिक देश के लिए वो किस प्रकार से कार्य करे ताकि वो अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा पाए, ना कि ये नहीं कि वो रट्टू तोते की तरह उससे रट्टे लगवाने शुरू करवा दिए जाए। ओके, आगे NCERT द्वारा कक्षा तीन चार और पांच तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत रूप में प्रदान करने के लिए छह विषयों को या छह विषय क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें बहुविषमताओं को एकीकृत किया गया। इनमें थीम, ध्यान रखिएगा क्या कहा गया, इन्हें थीम कहा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपने कई बार पूछा भी गया है कि पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी है और कितनी है, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण अध्ययन के विषय की छह थीम है, छह विषय हैं, यानी कि आपके जो अलग अलग से छह प्रकरण है हिंदी में जिसे बोले तो। ओके, अब वो छह प्रकरण कौन से हैं, कई बार आपसे पूछ भी लिए जा चुका है, लेकिन वो आपको ध्यान रखिएगा, जब EVS की बुक्स बनाई गई थी तो बड़े सोच समझ कर इन छह सब्जेक्ट को इन्वॉल्व करा गया था जो कि आपके आसपास के पर्यावरण के भी हैं। जैसे कि देखो तो पहला निकल के आता आपका परिवार और मित्र, जिसमें संबंध जानवर पौधे कार्य एवं खेल आते हैं। दूसरा निकल के आता है आपका भोजन। तीसरा निकल के आता है आपका आवास, जिसे आश्रय भी कहते हो। चौथा निकल के आता है जल यानी कि पानी। पांचवा निकल के आता है यात्रा, और छठा निकल के आता है चीज जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये छह थीम रखी गई, छह प्रकरण रखे गए आपके पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में। तो फाइनली आकर यहां पर जाकर एकीकृत शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड EVS का पोर्शन खत्म हो गया था सोचने संबंध का। अब आई कि EVS में इन्हीं छह को क्यों रखा गया, तो अगर आप देखो तो इन छह से आपके जो प्राकृतिक मुद्दे होते हैं, जो आपके आसपास के बच्चों के अंदर भावनात्मक रूप उत्पन्न करना होता है, वो इन चीजों से हो जाता है। जैसे कि परिवार और मित्र, इस चीज को सिखाने से आपका ये फायदा होता है कि बच्चे अपने परिवार के बारे में जान पाते हैं, किसको मामा चाचा ताऊ कहते हैं, और साथ ही साथ में इससे ये संबंध पता चल पाता है कि अपने परिवार में कौन किसने आपके सम्मान के रूप में किसको पुकारा जाए, किस प्रकार को किसको सम्मान कितना दिया जाए, और साथ ही साथ में अपने जो संबंध होते हैं जानवरों के प्रति, पौधों के प्रति, और कार्य और खेल के प्रति किस प्रकार से हम सामूहिक कार्य करते हैं, वो आपके भावनात्मक रूप को विकसित करता है। हमारा भोजन क्या है, या दूसरों भोजन क्या है, या हमारे समुदाय का भोजन क्या है, दूसरे के समुदाय का भोजन क्या है, और उनके भोजन को और अपने भोजन को संपूर्णता क्या करना है, हमें अपने अच्छी नजरों से देखना है, उनका किसी भी दुष्व्यवहार नहीं करना, उसके बारे में बच्चा सीख पाए। साथ ही साथ में हम किस प्रकार से रहते हैं, साथ ही साथ में हमारा जल कितनी आवश्यकता है, यात्रा
तरह से हम कहाँ कहाँ अलग अलग लोगों से मिलते हैं और कितने हमारे अंदर विकसित होती है और किन किन चीज़ों को हम बनाते हैं और क्या करते हैं उन चीज़ों के बारे में, यानी कि आपके पूरी की पूरी नेचुरल चीज़ों को, प्राकृतिक को जानने के लिए इन सारी के सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया गया है। और ऐसे टॉपिक है जो कि बच्चे के भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से जोड़ता है, ताकि आगे चलकर बच्चा अपने सही तरीके से अपने आवास को, अपने प्राकृतिक को यूज कर पाए, उसको दुष या फिर दूषित ना कर पाए। ओके, इसलिए इन 6 टॉपिकों को जोड़ा गया था। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि ईवीएस का पूरा इतिहास, कब से शुरू हुआ था और किस प्रकार से वो चलता आया। ओके, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेटेड ईवीएस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा सेकंड टॉपिक का फोर्थ पार्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।